मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध आरोग्य धाम भादवा माता मंदिर के पट अब श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, जिसे श्रद्धालु रविवार को भी दर्शन कर सकेंगे। यह व्यवस्था 8 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले लॉकडाउन के बाद अगस्त में मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। रविवार को आने वाली भीड़ को देखते हुए सप्ताह में एक दिन मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में देश भर के सभी मंदिर के पट बंद थे। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि लगातार श्रद्धालु मांग कर रहे थे कि मां भादवा माता का मंदिर रविवार के दिन भी खोला जाए, क्योंकि रविवार के दिन माता भादवा माता के दर्शन करने बड़े ही महत्व रहते हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन मां भादवा माता मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि अब हर रविवार को भी मंदिर के पट खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना होगा। हम तो चाहते हैं सारे देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी खुले, क्योंकि यह देश अद्भुत देश है, जहां ईश्वर के प्रति लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा और विश्वास है, और ईश्वर की वजह से कई काम होते हैं। हम देखते हैं जब आदमी कोरोना जैसे संक्रमण में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रहा है और उसको मन का सुख चाहिए, तो वह अपने अपने आराध्य देव के स्थान पर जाता है और वहाँ मत्था टेकता है और आत्मबल प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में विराजमान है, मां ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ भादवा माता हमारे नीमच ज़िले में विराजमान है, और यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। नवरात्रि के समय भी लॉकडाउन की वजह से बंद रहा और पूरे देश में भी बंद रहे। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने 7.5-8 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए लोगों को कहा था कि लॉकडाउन में कहीं भी घर से बाहर ना निकलें, धार्मिक स्थानों पर ना जाएं और अपने आप को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाएं, और लोगों ने पालन भी किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जनता कर्फ्यू का पालन किया, कोविड के लिए जो जो नियम बनाए थे उन नियमों का पालन किया। मगर अभी देखते हैं कि सारा व्यापार व्यवसाय सारा खुला है और लोग कोविड में जीना सीखे हैं, अपना परिवार पालना, अपने काम धंधा करना, तो लोगों का एक विश्वास है कि माँ भादवा माता का मंदिर जो रविवार को बंद था वो खुले। और कई श्रद्धालु मेरे पास भी आए थे, वहाँ की समिति के लोग भी आए थे। मैंने जिलाधीश जितेंद्र सिंह जी राजेश से बात की, SDM से बात की, और हमने ये कहा कि इसको रविवार के दिन खोला जाए, क्योंकि रविवार के दिन मान्यता है कि माँ के मंदिर में लोग जाते हैं, और रविवार के दिन अभी प्रशासन से बात करके हमने खुलवाया है। और सभी से दर्शकों से यही अपील करूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, वो 2 गज की दूरी रखे, मुंह पर मास्क लगाए, और मंदिर परिसर में जो अब कोरोना के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन करते हुए दर्शन करें और अपने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और समृद्ध रहे। हम निश्चित ही आत्मबल के साथ लगे हैं कि हम एक न एक दिन कोरोना पे विजयश्री प्राप्त करेंगे और वापस हमारा जीवन सामान्य तरह से लौटेगा। और हम यही चाहते हैं दिवाली जैसा पावन पर्व आ रहा है, लोग लक्ष्मी जी की घरों में पूजा करेंगे। लोगों से यही अपील करूँगा कि शुभ लक्ष्मी लोगों के घर में पधारे और अच्छा बरकत दे। और जो लोग कहीं ना कहीं रोजगार से पिछड़े हैं, जो बेरोजगार हैं कई लोग, उनसे भी ये रहूँगा कि माँ की आराधना करने से हमें शक्ति मिलती है और हम कहीं नर्वस ना हो। अभी 1 साल हारे हैं, हम 6 महीने हारे हैं, जीवन थोड़ी हारे हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित ही हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी, लक्ष्मी जी उनके घर में पधारेगी, सुख समृद्धि और वो वैभव प्राप्त करेंगे। मैं पुनः दीपावली के पावन अवसर पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और सबसे यही निवेदन करूँगा कि कोरोना का ध्यान रखते हुए माँ के दरबार में जाए, दर्शन करें, और हम देखते हैं माँ भादवा माता की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग कंधे पर बैठकर माँ के दरबार में जाते हैं वो माँ की कृपा से पैदल घर चलकर जाते हैं,
तो ये एक करिश्मा है वहाँ के पानी में, समझ लो वहाँ का पानी अमृत हो या माँ का है कुछ ऐसा आशीर्वाद हो। मैंने तो कई किस्से सुने हैं पुराने लोगों से कि माँ के दरबार में 9 दिन कोई इस प्रांगण में रहता है तो कोई बच्ची बनकर आती है, कभी कबूतर बकरा बनकर मुर्गा बनकर जब ऊपर घूमते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं लखवे से। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा लखवे माँ की हम सबके ऊपर दया बनी रहे। पुनः प्रशासन को भी बधाई और कमेटी के लोगों को भी बधाई शुभकामनाएं। रविवार के रोज भादवा माता का बहुत महत्व रहता है, वहाँ का पानी की विशेषता, कोई लखवा रोगी हो या कोई दूसरा मिर्गी वगैरह उनको पानी से जैसे उनका टच होता है उसको धीरे धीरे रोग साफ होता रहता है और वहाँ भादवा की बहुत कृपा बनी हुई है। आज रविवार, आज बहुत श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे और पट खुले तो आज और अथा भीड़ होने की उत्साह है वहाँ। रविवार का बस वही महत्व, खास माता जी का जो भी हो, माता जी का कार्य आज रविवार है उस हिसाब से महत्व ज़्यादा है। आपको मालूम पड़ता है कितना श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं वहाँ? कम से कम मान के चलो अभी 5-50 तो यहाँ तैयार खड़े हैं। उसके अलावा और भी बाहर वाले आएंगे से उनको जैसे जैसे मालूम पड़ेगी भीड़ बढ़ती जाएगी। क्या लोग कोरोना का भी ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन का जो कोरोना की बीमारी का उसको ध्यान रखेंगे आप? बिल्कुल जरा बराबर ध्यान रखेंगे, मुंह पे मास्क लगा के जाएंगे, 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। लॉकडाउन में रविवार के दिन भादवा माता का मंदिर का पट बंद थे, आज से सुनने में आया है कि पट खोल दिए गए हैं, तो हमें उत्साह और उत्साह की लहर है और माता जी के दर्शन के लिए हम भादवा माता जा रहे हैं। और श्रद्धालु जैसे जैसे लोगों को पता पड़ा है ऐसे ऐसे भीड़ वहाँ जाएगी भादवा माता के दर्शन के लिए। शनिवार और रविवार का भादवा माता के लिए बहुत बड़ा महत्व है, जहाँ श्रद्धालु नहाने उनको माता जी का पानी वहाँ शुद्ध माना जाता है और उससे कई बीमारियों कटती है, इसलिए रविवार के दिन दर्शन करने जाते हैं। हाँ जी, हम भादवा माता जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने, और अभी तो आज ही पता पड़ा है तो अब थोड़ा अब समय तो लगेगा, पर अभी हम दर्शन करने आज भादवा माता जा रहे हैं। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।